दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं गाजर का एक सिंपल सा रेसिपी जो कि टेस्ट के साथ बहुत ही ज्यादा हेल्दी है। खास करके बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा ये रेसिपी। इस वीडियो को देख के आप बहुत ही आसान तरीके से घर में बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं आज का गाजर का सिंपल सा रेसिपी। इस रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया 200 ग्राम तक गाजर और इसको पहले बहुत अच्छी तरह स्लाइसेस में काट लेंगे और उसके बाद इसे बॉईल करके पेस्ट बना के साइड में रख देंगे। जब तक कि हमारा गाजर बॉयल होता रहेगा तब तक हम लोग शुगर सिरप बना लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में 300 ग्राम वाटर लेके इसमें डाल दिया 300 ग्राम तक शुगर और इसमें फ्लेवर के लिए मैंने डाल दिया दालचीनी। आप यहाँ पे इलायची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे तब तक खिलाते रहना जब तक कि शुगर मेल्ट ना हो जाए। और शुगर मेल्ट होते ही इसे हम लोग साइड में रख लेंगे। यहाँ पे मैंने ले लिया है 300 ग्राम तक मैदा और इसमें 200 ग्राम गाजर का पेस्ट। ये पेस्ट हमने पहले से बना के रखा था, इसे अब बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑन कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों डो हमारा रेडी हो चुका है। अब हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, उसके बाद छोटा छोटा डो लेके हाथ में बहुत अच्छी तरह से राउंड शेप कर लेंगे और राउंड शेप करने के बाद इसका बीच में हम लोग थोड़ा बहुत प्रेस करके बालूशाही टाइप का शेप बना लेंगे। उसको बहुत आसानी से बनाना। अब एक एक करके सारे के सारे हम बालूशाही शेप में बना लेंगे। दोस्तों इस तरह का सिंपल और इजी रेसिपी बहुत सारे मेरे चैनल पे अवेलेबल है, चाहे तो आप राइट साइड में आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों अगर मेरे वीडियो सबको अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं इस तरह का नया नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। टेस्टी के साथ बहुत ही हेल्दी है दोस्तों ये रेसिपी, खास करके बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा और बनाना तो बहुत ही सिंपल है। तो दोस्तों वीडियो को देख के आप बहुत आसान तरीके से इसे बना सकते हैं। तो दोस्तों पहले सारे के सारे बॉल्स को एक एक करके बालू से इसे बना लेंगे और उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट प्रोसेस पे। सारे के सारे बॉल्स को मैंने बालू से इसे बना लिया है और इसे अब हम शुगर सिरप में बॉईल कर लेंगे। और शुगर सिरप हमने पहले से ही बना के रखा था तो सिंपल सा भी इसे बॉईल कर लेना है। दोस्तों स्टार्टिंग में आपको थोड़ा बहुत इसे चला लेना है क्योंकि स्टार्टिंग में जब भी आप इसे शुगर सिरप में छोड़ेंगे तो ये नीचे जाके चिपक जाएगा और नीचे जलने का चांस रहता है। तो खुरपी का मदद से आपको थोड़ा बहुत इसे हिलाते रहना है। और दोस्तों इसे हम तब तक कुक कर लेना है जब तक कि इसका शुगर सिरप बहुत ज़्यादा थिक ना हो जाए। दोस्तों इसे आपको ऐसे बीच बीच में से चलाते हुए कुक करना है ताकि ये नीचे से जल ना जाए। और अभी भी इसमें बहुत सारे वाटर है और हमें और भी ज़्यादा थिकनेस चाहिए, तो इसे अभी हम कंटिन्यू कुक करते रहेंगे। दोस्तों ये रेसिपी बनाना बहुत ही सिंपल है, घर का 3 से 4 इंग्रेडिएंट से ये बन जाता है। तो दोस्तों आप लोग घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा, खास करके बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा ये रेसिपी। तो दोस्तों लगभग 90% ये कुक हो चुका है और थोड़ा बहुत इसे कुक कर लेंगे और उसके बाद इसे निकाल लेंगे। दोस्तों जब शुगर सिरप में इस तरह का थिकनेस आ जाए तब आपको इसे चलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे से जल सकता है। पर ये देखिए दोस्तों लगभग ये कुक हो चुका है और शुगर सिरप का जो थिकनेस है बिल्कुल परफेक्टली आ चुका है। अब इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों बनके तैयार है हमारा गाजर का डिश। बहुत ही प्यारा सा कलर है इसका और देखिए कितना जूसी है। बहुत ही आसान है इसे बनाना, आप घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा और स्क्रीन पे आए हुए वीडियो को क्लिक करके जरूर देखिएगा।